जनवरी सन 1954 की बात है, जब प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ था। महाकुंभ एक ऐसा मेला जिसमें संपूर्ण विश्व के साधु संत एवं भक्त भारी मात्रा में एकत्रित होते हैं। इस समय भीड़ की सीमा नहीं होती, जहां तक दिखाई दे मनुष्य ही मनुष्य दिखाई देते हैं। ऐसे समय पर कई राजनेता श्री देवराह बाबा सरकार के दर्शन करने आए, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कन्हैया लाल माणिक्य, चंद्रभान गुप्त एवं डॉक्टर संपूर्णानंद। इन्होंने मिलकर के ये तय किया कि ब्रह्मऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा भारत के सभी संतों के शिरोमणि हैं। देश के विकास एवं शांति स्थापना हेतु हम सभी को ब्रह्मऋषि का स्वागत करना चाहिए। वे लोग बाबा को राजकीय सम्मान के साथ बाबा के मंच तक लाना चाहते थे। 500 छात्रों को मंगल वैदिक ध्वनि के लिए तैयार किया गया और सभी बाबा की प्रतीक्षा में थे, लेकिन अकस्मात सभी को बाबा मंच पर ही दिखाई दिए। सारे लोग हैरान रह गए कि हमने तो तैयारियां की थीं, इतनी सारी तैयारियां, और आकांक्षा की थी कि बाबा हमारे बीच होकर मंत्र ध्वनि के द्वारा सुनते हुए जाएंगे, लेकिन ये क्या, बाबा अचानक मचान पर प्रकट हो गए, बिना धरती पर चले हुए वहां पहुंच गए, ऐसा कैसे संभव हुआ। सभी हतप्रभ थे और प्रसन्न भी। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 500 छात्रों की वेद ध्वनि के बीच बाबा की पूजा की। बाबा के अकस्मात प्रकट होने से और इस अवसर पर उपस्थित रहने से महाकुंभ का ये अवसर अमृतमय हो गया। इसी अवसर पर स्वामी करपात्री जी और दक्षिण भारत के देवनायकाचार्य जी भी बाबा के पास आए, जो अपने समय के वेदांतविद माने जाते थे। उन्होंने बाबा से वेदों, शास्त्रों, पुराणों को लेकर गूढ़ वैदिक प्रश्नों की चर्चा आरंभ की। जब बाबा ने उन्हीं विषयों पर विलक्षण व्याख्या आरंभ की, तो दोनों महाधुरंधर विद्वान नतमस्तक हो गए। वे हैरान रह गए कि बाबा का इतना अद्भुत ज्ञान। उन्होंने बाद में कहा कि धार्मिक चर्चा करते समय उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे विद्या की अधिष्ठात्री देवी स्वयं सरस्वती माता बाबा के मुख में हैं और साक्षात माँ जगत जननी ही उन्हें व्याख्याएं सुना रही हैं। बाद में उसी प्रसंग से संबंधित बात होने पर बाबा ने बताया, भक्त भगवानमय होता है और योगी सर्वदेवमय होता है। इस सदी में प्रथम बार सार्वजनिक रूप से 1954 में श्री देवराह बाबा सरकार प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर अकस्मात प्रकट हुए थे, और ऐसे दिव्य महासंत के आगमन से प्रयागराज की पावन भूमि और भी पवित्र हो उठी। श्री शीतल पूर्वा के संग गंगा यमुना की लहरें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे बाबा के आगमन पर वे गदगद हो रही हैं और लहरों के शोर से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं कि ऐसे महान संत के स्पर्श एवं दर्शन का सौभाग्य हमें भी सुलभ हुआ। बाबा को महाकुंभ पर्व पर प्रयागराज लाने का श्रेय श्री राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को जाता है। उन्हें राजर्षि की उपाधि बाबा ने ही दी थी। प्रयागराज में बाबा के प्रारंभिक भक्तों में प्रसिद्ध संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी थे। बाबा इनसे बहुत प्रेम करते थे। बाबा कहते, बच्चा तू मेरी प्यारी आत्मा है। बाबा की प्यारी आत्माएं हम सभी हैं, लेकिन जो जितना प्रभु का स्मरण करता है वो उतना ही बाबा के निकट पहुंच जाता है। बाबा नीले आकाश की तरह सर्वत्र परिव्याप्त हैं। वे देश और काल की सीमाओं से भी अलग हैं, इसीलिए जब भी आप उन्हें याद करेंगे वे आपके निकट आपको महसूस होंगे। राधे राधे।
जय श्री बाबा।